2003 में मुझे लाइसेंस मिला और उसके बाद मडेरा कैलिफोर्निया में प्रैक्टिस शुरू की. तो इट वाज जस्ट अ वेरी एवरेज स्टार्ट. और अमेरिकन ट्रेनिंग लाइसेंस तो था, लेकिन वो जो माइंडसेट था वही था कि शॉर्टकट्स करने हैं, आपने चीपर सॉल्यूशंस ढूंढने हैं. बट इन फ्यू इयर्स आई रियलाइज कि अगर मैंने आगे बढ़ना है तो मुझे क्वालिटी की तरफ जाना है. और उसके बाद आई बिकेम वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस इन टाउन. आई वॉज एक्चुअली वन ऑफ द हाइस्ट पेड डेंटिस्ट इन मडेरा कैलिफोर्निया. जब मैं पाकिस्तान आ रहा था तो मुझे पता था कि मुझे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होंगी, जैसे कि बहुत से इक्विपमेंट्स और सिस्टम्स और इवन सप्लाइज. तो वो मैं सारी लेके आया. और फिर उसके बाद अगला चैलेंज था ट्रेन टीम, क्यों अमेरिकन डेंटल स्कूल्स की ट्रेनिंग बहुत आगे है और उसमें प्रोसीजर्स को बहुत एक्यूरेटली 100% पे हमें पहले सिखाया जाता है, टेस्ट होते हैं, उसके बाद हमें वो अलाउ करते हैं कि पेशेंट पे काम करते हैं. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी. एंड देन प्रोफेशनलिज्म एंड इंटेग्रिटी, उसके हिसाब से मैंने फिर पूरा एक स्ट्रक्चर डेवलप किया जिसमें सिस्टम से अपना सेटअप बनाया. और उसके बाद अभी भी मेरे जो 6 वीक्स की ट्रेनिंग होती है, जो भी स्टाफ है थ्रू आउट द ऑफिस जो काम कर रहे होते हैं, दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग अनलेस दे गो थ्रू दैट 6 वीक्स ट्रेनिंग. डेंटिस्ट की तो ट्रेनिंग, टोटल ट्रेनिंग 3 इयर्स के लिए चलती है, जिसमें उनको पूरे प्रोसेस को गुजारा जाता है. वो जो डेंटल स्कूल अमेरिका में होते हैं, वो टेस्ट जो होते हैं, जब उनको वो पास करते हैं, उसके बाद ही वो ईच प्रोसीजर जब वो कवर करते हैं तो उसके बाद वो प्रोसीजर करते हैं. एंड इट टेक्स अप टू 3 इयर्स टू रियली कम्प्लीट द ट्रेनिंग. उनकी इतनी थॉरो ट्रेनिंग हो चुकी हुई है एंड दे आर सो कॉन्फिडेंट एंड कॉम्पिटेंट इन द वर्क के आई हैव टोटल फेथ इन दैम to give you the best possible dental care. Mera favorite tech scan hai, uski wajah se I have saved so many teeth from getting fractured, jinme cracks hote hain, kuch logon ki bite balance nahi hoti. It helps us identify the sore points. Uske baad there are a lot of people who had migraines and I have treated them to get rid of those migraines because of the bite issues. Now we have implant software jiske wajah se hume pata hai ki aapki nerve kis jagah pe aur kitni width बोन के और कौन सा एंगल किस जगह पे हमने इम्प्लांट को प्लेस करना है, उसकी वजह से ना सिर्फ आपके एस्थेटिक्स बल्कि आपका फंक्शन बेहतर होता है और उसकी लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस में काफ़ी हेल्प होती है. अब हमारे पास इंटॉल स्कैनर है और प्रिंटर है, जिसकी वजह से ना सिर्फ हम डिजिटली आपके इंप्रेशन लेते हैं, जो उसकी जो प्रोसीजर है, उसकी फिट है, वो बहुत आइडियल है. उसके बाद हमारे पास जो पेंटिंग फैसिलिटीज़ हैं उसकी वजह से वी कैन गिव यू द सेम बी स्माइल. हमारे टोटल एरिया ऑफ द गम जो मुँह में है वो हमारे पाम ऑफ द हैंड के बराबर है. और इतने बड़े एरिया में अगर इन्फेक्शन है, ब्लीडिंग हो रही है, इन्फ्लेमेशन है, तो उसका मतलब ये है कि बॉडी के जो तो हीलिंग रिसोर्सेज हैं सारे वो सिर्फ मुँह में यूटिलाइज हो रहे हैं. और उसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी जो है वो इम्पैक्ट होती है, ओवरऑल इफेक्ट होता है उसमें. एंड देन सिस्टेमिक डिजीज़ लाइक हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटीज़, पैंक्रियाटिक कैंसर, किडनी इश्यूज, आर्थराइटिस, इवन सम कैंसर जो प्रेगनेंसी में, अल्जाइमर, ये सारी चीज़ें उसमें उसका रिस्क बढ़ जाता है. और वो लोग जिनमें इनफैक्ट ये डिजीज पहले से हैं उनमें उनकी सवेरिटी बढ़ जाती है. एंड लेटेस्ट रिसर्च इन अमेरिका उससे पता चाहिए चला है कि जब हम मुँह के इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं तो ना सिर्फ ये डिजीज़ का रिस्क कम होता है बल्कि हमारी जो उसकी सवेरिटी वो कॉम्प्लिकेशन कम होती हैं और कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर ईच डिजीज़ $2,000-$3,000 तक नीचे चली जाती है. हमारी जो कमिटमेंट है अपने पेशेंट्स से वो सेफ़ एंड प्रेडिक्टेबल डेंटिस्ट्री केयर, इट इज़ द सेफेस्ट डेंटल विजिट. एक तो वो, दूसरा प्रेडिक्टेबिलिटी के जो भी काम हो उसको बैकअप करना है अपने वारंटी से और लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस को लेके चलना है. हमारी फिलॉसफी जो है दैट इज़ अराउंड कंप्लीट हेल्थ डेंटिस्ट्री के, आपको सिर्फ मुंह के प्रॉब्लम से हमने नहीं बचाना, आपकी ओवरऑल हेल्थ को हम लेके चलते हैं. एंड स्पेशली इन कोविड जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स के सारी चीज़ें हैं, इट बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट. वी आर सेटिंग स्टैंडर्ड्स, वी आर टेकिंग डेंटिस्ट्री टू नेक्स्ट लेवल इन पाकिस्तान. और मेरे लिए सबसे ज़्यादा रिवार्डिंग वो मोमेंट होता है जब मेरे पुराने पेशेंट्स जो कैलिफोर्निया से थे आके बताते हैं कि यहाँ का एक्सपीरियंस पहले से भी ज़्यादा अच्छा है. हमारी कॉस्ट बहुत हाई है बिकॉज वी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन सेटअप्स. उसके बाद टेक्नोलॉजीज की ट्रेनिंग, एक्स्ट्रा हेल्प, एंड देन आई स्टिल यूटिलाइज द सेम सप्लाइज जो मैं अमेरिका में अपने प्रोसीजर्स पर यूज़ करता था. हम वारंटी देते हैं अपने काम की, ये सारी चीज़ें ऐड करती हैं. पर प्रोसीजर हमारी कॉस्ट काफ़ी हाई है, उसके बावजूद वी आर कमिटेड टू गिव यू द बेस्ट पॉसिबल डेंटल केयर. आई बिलीव कि अगर मेरे मुंह में काम हो रहा है या मेरे बच्चों के मुंह में काम हो रहा है तो वही स्टैंडर्ड्स हमने हर पेशेंट को देने हैं. दैट इज़ द कमिटमेंट वी हैव मेड टू यू. अल्लाह ना करे वो लोग जिनके हार्ट का कोई मसला है तो वो बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, दे डोंट वांट टू बी चीप अबाउट दिस थिंग. उसी तरह आपके दांतों का प्रॉब्लम है, अगर दांतों में प्रॉब्लम्स हैं उनको आप लॉन्ग टर्म प्रॉपर केयर के साथ सही रख सकते हो. इट इज़ नॉट ओनली कि आप अपने दांतों को बचाओगे बट इट्स ऑल्सो मैटर ऑफ योर हेल्थ.
ओवरऑल लाइफ आपकी जो क्वालिटी है वो उस पर डिपेंड करती है, क्यों आपके मुंह के प्रॉब्लम से वो सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज होती हैं. इवन विद कोविड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक, सो why not go for the best possible dental care in Pakistan. मेरा जो पैशन है वो यही है कि टू अचीव एक्सलेंस इन डेंटिस्ट्री, एंड देन ऑल्सो जो मेरे लिए सबसे रिवार्डिंग चीज़ होती है वो जो स्माइल है, वो जो चेंज है, जिस दिन पहले दिन मैं पेशेंट के मुँह में काम करता हूँ, टू ब्रिंग दैट चेंज, इट इज़ लाइफ इम्पैक्टिंग थिंग. लाइफ चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट, एंड वी कैन विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड एवरी थिंग वी आर एबल टू डू इट विद इन अ डे. एंड देन द लास्ट थिंग I want to share is that, you know, I'm here because I want to improve the quality of dental care in Pakistan.